हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम सेंड कनेक्टर्स को कैसे यूज और कॉन्फ़िगर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि सेंड कनेक्टर्स होते क्या हैं, और इस वीडियो में हम सेंड कनेक्टर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर चलते हैं, उस सर्वर के ऊपर जिस पर हमने हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखिए, मैं अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 में उस सर्वर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर मैंने मेलबॉक्स सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल को इंस्टॉल कर रखा है। आप सेंड कनेक्टर्स को एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल या एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल दोनों से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल को ओपन किया है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन में हब ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैब्स अवेलेबल हैं, इनमें से एक टैब है सेंड कनेक्टर्स। मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो देखिए बाय डिफॉल्ट कोई भी सेंड कनेक्टर क्रिएटेड नहीं है। एक नया सेंड कनेक्टर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू सेंड कनेक्टर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक विजिट स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेंड कनेक्टर का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कुछ भी, मान लीजिए टेस्ट कनेक्टर। और यहाँ पे सिलेक्ट द इंटेंडेड यूज फॉर दिस सेंड कनेक्टर, कि इसका यूज क्या है। तो इसके चार यूसेज टाइप होते हैं, कस्टम, इंटरनल, इंटरनेट और पार्टनर। ये यूसेज टाइप ये डिफाइन करते हैं कि जो हम कनेक्टर क्रिएट कर रहे हैं उसमें डिफॉल्ट परमिशंस क्या होंगी। जैसे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा नाम से लग रहा होगा कि इंटरनेट वाला यूसेज टाइप आप यूज कर सकते हैं जब आप सेंड कनेक्टर क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि मैसेजेस को राउट करना चाहते हैं इंटरनेट पे। इंटरनल जब आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंड कनेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी पार्टनर कंपनी के लिए, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंड कनेक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और कस्टम में कोई भी परमिशंस बाय डिफॉल्ट नहीं होती हैं और ना ही कोई स्मार्ट होस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डिफाइंड होता है, और आपको ये सब कुछ खुद डिफाइन करना पड़ता है। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंटरनेट। हम चाहते हैं कि हमारा हब ट्रांसपोर्ट सर्वर इंटरनेट पे मैसेजेस को राउट करे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एड्रेस स्पेस बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे एड बटन पे क्लिक करके कोई भी एड्रेस एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ABC और आप उसके लिए सेंड कनेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं ABC.com के लिए, तो आप यहाँ पे ABC.com लिख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी भी एड्रेस पे मैसेजेस को राउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक्स या स्टार। मैंने यहाँ पे स्टार एंटर किया, ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एड्रेस में स्टार या एस्ट्रिक्स आपको दिख रहा है जो कि एक वाइल्ड कार्ड की तरह एक्ट करेगा। और अगर हमारे इंटरनल नेम स्पेस या एड्रेस पे मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे और बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भेजे गए होंगे तो वो इस सेंड कनेक्टर से इंटरनेट पे जा सकते हैं। इस पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। कुछ और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड, जिसमें से एक है यूज डोमेन नेम सिस्टम DNS MX रिकॉर्ड्स टू राउट मेल ऑटोमेटिकली, जो कि DNS सिस्टम को यूज करके, डोमेन नेम सिस्टम को यूज करके MX रिकॉर्ड के थ्रू हमारे मैसेजेस को या मेल्स को ऑटोमेटिकली राउट करेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी है। या फिर आप अपने मैसेजेस की राउटिंग थ्रू स्मार्ट होस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट होस्ट किसी सर्विस प्रोवाइडर एंड पे भी इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर्ड हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं विद इट्स IP एड्रेस या FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आगे हम कभी इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए जो डिफॉल्ट है उसे ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सोर्स सर्वर में मेरे को EX1 जो कि इसी सर्वर का नाम है और जिसके ऊपर मेलबॉक्स, क्लाइंट एक्सेस और हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल्स इंस्टॉल्ड हैं, आपको दिख रहा है। ऐड बटन पे क्लिक करके आपको लिस्ट दिख जाएगी जितने भी हब ट्रांसपोर्ट सर्वर्स या सब्सक्राइब्ड एज ट्रांसपोर्ट सर्वर्स होंगे। यहाँ पे आप उनको सिलेक्ट करके ऐड करवा सकते हैं, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में एक ही हब ट्रांसपोर्ट सर्वर है तो हम उसी को ही रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो न्यू कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन समरी आपको दिखाई दे रही है। कुछ भी चेंज आप करना चाहते हैं बैक बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से कि ऐसा ही कनेक्टर मेरे को चाहिए, तो आप न्यू बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए एक नया सेंड कनेक्टर क्रिएट हो गया है। फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट कनेक्टर नाम का कनेक्टर दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने एक नया सेंड कनेक्टर क्रिएट करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।